I got 36 last year, and I did not celebrate my birthday because I got 36 last year. क्योंकि मुझे क्या लगता है कि 30 के बाद बर्थडेज का नेचर काफी चेंज हो जाता है. 30 के पहले तो बर्थडेज आ रहे होते हैं आने वाले सालों के लिए नया जोश नई उमंग देने. 30 के बाद आते हैं उनका हिसाब मांगने. मतलब 30 के पहले तो हो रहा होता है हम होंगे कामयाब, 30 के बाद हो रहा होता है कब होंगे कामयाब. तो आप देखोगे कि आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है 30 के बाद. मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए, जैसे कितने साल का हो गया, तू शादी कब कर रहा है, पैसे कब लौटाएगा, एंड यू डोंट लाइक दीज क्वेश्चंस. फिर भी पूछते हैं लोग. मतलब मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में एक दो लोग ऐसे निकल ही आते हैं जो कहने को आपके दोस्त होते हैं लेकिन फिर भी आपको दिल से चोट पहुंचाना चाहते हैं. माइनर विलेंस, भीड़ की खाल में भोसड़ी वाले. ये कभी तारीफ भी करेंगे तुम्हारी तो ऐसे कि जिंदगी नरक हो जाए. मैं एक बार एक बारात में डांस कर रहा था, ऐसा रैंडम नहीं, दोस्त की बारात में डांस कर रहा था. तो एक लौंडा आकर बोलता है मुझे, यार तू बड़ा सही डांस करता है, इतना मोटा होके भी. मैंने कहा थैंक्स यार, तू भी काफी खुश दिखता है इतना अनाथ होके भी. नहीं कहा नहीं मैंने, कमाल. लेकिन मुझे गुस्सा आता है लोग मतलब ऐसे घुमा फिरा के चीजें बोल देते हैं. ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड बोली एक बार, सुनो पतले हो जाओगे तो अच्छे लगोगे. फिर दोनों गोवा जाएंगे न्यू ईयर पे मिलके. मैंने कहा अगर मैं अच्छे ही लगने लगूंगा तो तेरे साथ गोवा क्यों जाऊंगा फिर. सो आई एम 36 एंड सिंगल नाउ. बट मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. मतलब मुझे लगता है कि जो है जैसा है. लेकिन मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे सिंगल होने से. इस समय उनके यूनिवर्स की टॉप प्रॉब्लम इज दैट आई एम सिंगल. जब से मैंने 30 क्रॉस किया उन्हें ऐसा लगता है जैसे डिमोनेटाइजेशन चालू हो गया और मैं उनका 1000 का नोट हूं. आखिरी कुछ दिन बचे हैं, चल गया तो चल गया वरना चलाना पड़ेगा फिर से. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मेरी मम्मी का कॉन्फिडेंस लो मुझ में ज्यादा या लड़कियों में. मुझसे बोलेंगी बेटा कैसी लड़की चाहिए तुझे, मैं बोलूंगा मम्मी जो थोड़ी समझदार हो, बातचीत करना. अरे बेटा तुझे करनी नहीं इसका मतलब शादी. और मम्मी है मतलब वो ऐसा फेमिनिस्ट और सेक्सिस्ट नहीं है, वो मम्मी है, वो ऐसी बॉम्ब छोड़ती रहती है, वो कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है. मैंने बोला मम्मी लड़की सुंदर तो होनी चाहिए. अरे सुंदर नहीं बेटा, कोई अपने से मैच करती हुई ढूंढो. सुंदर आएगी तो जोड़ा ठीक नहीं लगेगा. मैंने कहा थैंक यू मम्मी. मैं एक तो इस उम्र में सिंगल होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम तो सिंगल होते हो लेकिन तुम्हारे आसपास सब डबल हो चुके होते हैं. वॉक पे भी जाओ तो सारी लड़कियां वॉक कर रही होती हैं अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और कोई कोई तो इतने चूतिए लौंडे के साथ वॉक कर रही होती है कि वॉक कर रही है उसके साथ और देख रही मेरी तरफ. इतने मतलब डिजास्टर बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं हूर के बगल में अर्जुन कपूर. मतलब तुम्हें ऐसा आंखों आंखों में तरस आता है उसके ऊपर और तुम कन्वे करने की कोशिश करते हो व्हाई हिम. फिर वो धीरे से उसकी कार में बैठती है और कार का दरवाजा बंद करते हुए तुम्हें अपनी आंखों से कन्वे करती है दिस इज व्हाई, व्हिच आई डोंट माइंड. मुझे लगता है कि लड़कियों को ज्यादा कंफर्ट पसंद है लड़कों के कंपैरिजन में. नेचर ने उन्हें बनाया ऐसा है. ज्यादा कंफर्ट का मतलब बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स. तो लड़कियों को ज्यादा कंफर्ट अच्छा लगता है. लेकिन कई लड़के मजाक उड़ाते हैं लड़कियों का इस बात पे कि अरे लड़कियां तो केवल पैसों के पीछे भागती हैं. हाँ तो कमाओ भोसड़ी के. नेचर नहीं अपने लॉज चेंज कर लेगी जस्ट बिकॉज तुम काम चोर हो. ऐसा कोई बच्चा बोले स्कूल में साइंस का पेपर तो टफ आता है, हाँ तो पढ़ मादरचोद. साइंस नहीं आसान हो जाएगी क्योंकि तू चूती है. और मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कियां कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है इस चीज को लेके कि हाँ चाहिए पैसे वाला तो चाहिए. उसमें क्या है, ये तो नियम है प्रकृति का. चिड़िया पे चाहे लाखों चिरौटे लाइन मारे हैं, अंडे वो उसी के साथ देती है जिसका घोंसला रेडी हो. तो ऐसी चाहिए औरतों को भी. मतलब ऐसा आदमी ढूंढती है जो लाइक यू नो बड़ा घर बड़ी गाड़ी बड़ी नौकरी नौकर चाकर ऐशो आराम प्रॉमिसिंग फ्यूचर ये सब देखती हैं औरतें एक आदमी में. और आदमी क्या देखता है औरत में, राउंड एस. राउंडर द मैरियर, राउंड एस एंड एजुकेशन ऑफकोर्स. देख लो तुम टिंडर पे लड़कियां कुछ भी लिख लें, पायलट सिंगर, नहीं कुछ नहीं चाहिए, जस्ट द राउंड एस एंड एजुकेशन. लेकिन लड़कियां hey, come on, education is necessary. लेकिन लड़कियां मानती नहीं इस बात को. ये मेरे को सही नहीं लगता. मेरे ऑफिस में मेरी कलीग है वो फेमिनिस्ट टाइप है लेकिन देखने में भी ठीक है. तो वो बोलती है वुमेन इज मोर देन आवर ब्यूटी. तो उनका हाउस की सहेलियों के लिए ना, मैं तो उसी चीज पे फोकस करूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो. मैं क्या करूं उसके मोर देन ब्यूटी के मोर से.
ऐसे कोई प्लम्बर आके बोले आई एम मोर देन अ प्लम्बर, नल ठीक कर भाई। सो यार कंफर्ट चाहिए लड़कियों को, जो कि मैं बोल रहा हूँ काफी देर से। और ऐसा नहीं है लड़कों को पता नहीं है, लड़कों को पता रहता है, मतलब बचपन से हिंट दी जाती है, जितनी कहानियां जितनी फेरी टेल्स हैं उसमें सब में क्लू दिए जाते हैं कि बॉस स्नो वाइट हो या सिंड्रेला, जाति प्रिंस के साथ है। और प्रिंस की बात ही नहीं करता कोई, उसे बुलाते भी प्रिंस है, उसका नाम भी नहीं होता। प्रिंस केम टुक सिंड्रेला टू द पैलेस वेयर द प्रिंस लिव्ड। प्रिंस की बात नहीं करते, उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हवा में लहला रहे थे बाल राजकुमार के घोड़े के, काफी बड़ा था राजकुमार का राजमहल। उसके बाद भी एक औरत को लगा कि सही से मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा, आदमी मतलब सही से समझ नहीं पा रहे कि क्या चाहिए औरतों को, तो उसने एक कहानी लिखी ब्यूटी एंड द बीस्ट। उसमें मतलब क्लियर हो गया कि आदमी चाहे भली देखने में राक्षस हो, प्रोफाइल अगर ठीक है तो लड़कियां राइट स्वाइप कर देती हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, नीता अंबानी की फेवरेट बुक। एक तो ये लड़कियों के लिए जितनी कहानियां भरी है ना, वो इतनी ज्यादा अमेजिंग है, मतलब विजुअली देखोगे इतनी ग्रैंड, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ा बगीचा, उसमें फूल खिला हुआ है, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा है, खाने वाले दो हैं, खाना 40 का रखा हुआ है, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब एकदम रोजी फील, रिच। लड़कों के लिए ऐसी कहानियां नहीं बनी है। लड़कों के लिए कौन सी कहानियां बनी है? टीचर सुना था बचपन में, एक लकड़हारा था, आगे बच्चे शॉप में चले जाते हैं, सुनते हैं क्या था, एक लकड़हारा था। फिर टीचर एक्सप्लेन करता है कि लकड़हारा वो होता है जो लकड़ी को काटता है अपनी कुल्हाड़ी से और अपना जीवन चलाता है, तो तुमको लगता है कि मतलब चलो कुछ तो सीन है लकड़हारे का, कुछ कर रहा है। फिर तुम दूसरी लाइन पढ़ते हो, और एक दिन उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में डूब गई। कुछ तो करने दो लकड़हारे को, तू बोलो क्यों लकड़हारा था, सीधे बोलता एक हारा था, कहानी वहीं से स्टार्ट करता। एक बैट्समैन था उस पे बैट नहीं था, सीधे बोल मैन था, फकिंग मैन। तो वो आगे कहानी में होता है, उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है नदी में और वो रो रहा होता है, तो फिर एक देवकन्या निकल के आती है नदी में से, कहती है क्या हो गया, वो तो बोलता है कि मैं लकड़ा रहा हूँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में डूब गई है। तो वो कहती है मैं लेके आती हूँ, तो वो नदी में जाती है देवकन्या, कुल्हाड़ी लेके वापस आती है, सोने की कुल्हाड़ी लेके आती है। लकड़ा रहा कहता नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। How innocent, right? तो वो दोबारा नदी में जाती, फिर इस बार एक चांदी की कुलाड़ी लेके आती है। लकड़हारा कहता नहीं ये चांदी की कुलाड़ी है, ये मेरी कुलाड़ी नहीं है। How innocent part 2. देवकन्या फिर से नदी में जाती है और इस बार लोहे की कुलाड़ी लेके आती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारी चूतिया कुलाड़ी? बोलता चूतिया है लेकिन कुलाड़ी यही है। तो मुझे बचपन में काफ़ी लगा कि यार ये तो काफ़ी, मतलब मैं इम्प्रेस हुआ इस कहानी से कि ये तो काफ़ी सही है, इतना ईमानदार है लकड़हारा। मुझे बड़े होकर पता चला कि कितना हरामी है लकड़हारा, क्योंकि उसे पैटर्न पता है कि कन्या हो या देव कन्या, ऑनेस्टी से बड़ा टर्न ऑन नहीं है लड़कियों के लिए। तो वो मतलब उसे पता है कि पहले मैं सोने चांदी को रिजेक्ट करूंगा तो पहले तो देव कन्या तीनों कुल्हाड़ियां देगी। और उसके बाद वरदान देगी। और वरदान में एक लकड़हारे को क्या चाहिए? बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी नहीं, राउंड एस एंड एजुकेशन ऑफ कोर्स। दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक्स। हाय, मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आई गया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ और अपने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं डालने वाला हूँ। और यस, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव फन, हैव अ लॉट ऑफ लव एंड थैंक यू, बाय बाय।